ऑफ कोर्स इनके बीच में कुछ ऐसी फिल्में भी थी जिसमें कुछ बड़े सोशल इश्यूज को भी केटर किया गया था यू you नो know, घर प्रेम रोग प्रेम ग्रंथ दीवाना ऐसी कई फिल्में थी जो कि आज भी यादगार है सत्य प्रेम की कथा भी एक रोमांटिक फिल्म है डीलिंग विद मोर ह्यूमन इश्यूज एंड ये इट ऑल्सो हैज समथिंग मोर अटैच टू इट तो चले जानते कि क्या ये फिल्म हमें एक और कमाल की फिल्म देने में कामयाब होगी या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जिसमें अपने वन लाइनर यूनिक कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ और होता नहीं है सत्यप्रेम की कथा फिल्म की कहानी एक गुजराती लड़के सत्यप्रेम यानी कि कार्तिक आर्यन की जो कि कुछ काम काज नहीं करता है लेकिन सपने देख रहा है कि किसी दिन उसकी शादी होगी एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की कथा यानी कि कियारा अडवाणी से उसकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आता है जिसके बाद उसकी शादी भी हो जाती है कथा के साथ लेकिन कथा के लाइफ में एक दर्दनाक पास्ट है और बस कैसे वो पास्ट इन दोनों की लाइफ में इफेक्ट करता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है Of story-wise, yes, it's a different film with different take on love story. It did remind me of films such as Rekha star Aghar and Madhuri Dixit star of film Premgrah. But that's just a basic reference dealing with you know something similar type of theme. But uske alawa, this movie is totally different and has its own merits to cherish. फिल्म का फर्स्ट हाफ एक लाइटर नोट पे प्रेजेंट किया गया है स्टार्टिंग कार्तिक एंड द मैडनेस इन फैमिली लेकिन उसके बाद कियारा का जो इंट्रोडक्शन वाला सीन है nice स्नोरिंग प्रॉब्लम्स ये सब सीन्स ना फिल्म के फर्स्ट हाफ को एक लाइटर नोट पे प्रेजेंट करते हैं बट ऑन द स्क्रीन प्ले वाइज इस फर्स्ट हाफ में कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है ऑल्सो दुजराती वर्ड माइट बी एन इश्यू विद ज मैरिज वर्जिनिटी दहेज दो उन्हें लाइटर नोट पे प्रेजेंट किया गया बट मे बी समीपल माइट नॉट फाइंड इट फनीट फाइंड इट ऑब्जेक्टेबल इन टूडेज टाइम्स

और दूसरा सीन है सुप्रिया पाठक एंड कार्तिक आर्यन की एक चैट सीन है बहुत ही प्यारा सा बहुत ही सिंपल सीन है बट वो बिल्कुल छू लेता है और द फिनाले पार्ट जहां पर किरा शेयर बट अगेन पेस इश्यूज यू नो ट्राई टू डायल्यूट द फ्लो ऑफ द फिल्म फिल्म थोड़ी सी लंबी लगती थोड़ी नहीं कुछ जगह पे काफी लंबी भी लगती है ड्यू टू सम अनवांटेड सीन्स एंड वीक एडिटिंग प्लस ओवरडोज ऑफ सॉन्ग्स कियारा का जो चेंज ऑफ हार्ट है वो थोड़ा सा हरिट लगता है एंड इवन इन द फिनाले क्लाइमैक्स वो पूरा पार्ट ना थोड़ा सा हरिड लगता है लेकिन वहीं पे डायलॉग्स की बात करेंगे तो फिल्म में कई बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स है पर तो स्क्रीन पे थोड़ा और क्रिस्प और एडिटिंग थोड़ी और टाइट होती थी तो ये फिल्म कुछ और ही बनती अब म्यूजिक की बात करेंगे तो एज अ सेट फिल्म में कई गाने जो कि अच्छे है बट पॉपुलर ना होने के बनते हैं ना कई जगहों पे अनवॉन्टेड भी लगते हैं गुज्जू पटाखा इज अ नाइस सॉन्ग पी आर जी कुर सॉन्ग मर जाऊंगा एंड ऑल्सो आज के बाद अ वेरी वेल शॉर्ट सॉन्ग अगेन ये सब ना शॉर्ट में प्रेजेंट करने चाहिए थे थोड़ा सा होना चाहिए था मुखड़ा और बस खत्म बहुत लंबे लगते हैं अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर ने इस फिल्म को एक रियलिस्टिक टच देने की कोशिश की है एंड कुछ सीन्स में वो काफी क्लासी मैनर में उसे प्रेजेंट भी करते काफी मेच्योर्ड मैनर में प्रेजेंट करते हैं लेकिन वहीं पे स्क्रीन पे एडिटिंग पे उनका कंट्रोल थोड़ा सा छूट जाता है जिसके बनते फिल्म का जो इम्पैक्ट है अच्छा होने के बावजूद भी थोड़ा सा डायल्यूट हो जाता है ऑल्सो इस सब्जेक्ट को थोड़ा और सेंसिटिव में प्रेजेंट करना चाहिए था एज एक वक्त के बाद ना वो जो लाइटर इम्पैक्ट है थीम ऑफ द फिल्म अगर इन चीजों को ध्यान में रखते और ये फिल्म दो घंटे के अंदर रखते ना तो ट्रस्ट में ये बहुत ही यादगार फिल्म बन जाती है बट एज सेट है टचिंग दिस सब्जेक्ट एंड प्रेजेंटिंग इन कुछ जगहों पे बहुत ही मेच्योर्ड मैनर में अब परफॉर्मेंसेज की बात करेंगे तो कार्तिक आर्यन शाइंस हाई विद इनोसेंट लवर बॉय इमेज वो अपने कैरेक्टर को ना बहुत ही बिलीवेबल बनाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी फिल्मों के लिए कॉमिकल सीन्स में तो वो बढ़िया है ही लेकिन इमोशनल वंस में भी यहां पे अच्छा काम किया है इट डिड रिमाइंड मी ऑफ वन ऑफ हिज अर्लियर फिल्म आकाशवाणी वही दूसरी और खीहारा अटवाणी लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल इन द फिल्म एंड कुछ सीन्स में तो काफी दमदार है इन इमोशनल वन जिसमें अभी तो उन्होंने एक अलग लेवल को टच करना शुरू कर दिया है टुगेदर ऑल्सो दोनों की केमिस्ट्री बढ़िया लगती है ऑन स्क्रीन दोनों काफी अच्छे भी लगते हैं इनके अलावा गजराज राव सुप्रिया पाठक सिद्धार्थ रानदेरिया इन सब ने अपने अपने रोल्स बढ़िया तरीके से निभाए हाँ शिखा तलसान यान अनुराधा पटेल के रोल्स अच्छे हैं बट और बड़े या के इम्पैक्टफुल होने चाहिए थे वही राजपाल यादव का क्या ठीक ठाक था ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे सत्य प्रेम की कथा इज अ क्लासी लव टेल ऑफ सैक्रीफाइस एंड पेन विच विल बी लव डिफरेंट एंड मीनिंगफुल टाइप ऑफ सिनेमा द मैज माइट फाइंड इथ लें ड्यू टू द स्क्रीन प्ले एडिटिंग एंड द सॉन्ग्स अगर फिल्म थोड़ी शॉर्ट एंड टाइटल होती तो यह फिल्म एक लैंडमार्क फिल्म बन सकती थी बट स्टिल कूडो टू द फिल्म मेकर्स फॉर कमिंग अप विद सच डैरिंग सब्जेक्ट एंड प्रेजेंटिंग इट इन सच डिफरेंट स्टाइल जिसके बनते मैं इस फिल्म को थ्री टू थ्री स्टार्स की रेटिंग देता हूँ ऑल यू कार्तिक एंड की आर आगे फैंस टू और दिस फिल्म को देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म मिलते जल्द एक और फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहट बॉलीवुड के आरजे दिव्य सोल कामा